जी तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक सवाल रीड करा होगा और कोई मसला नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी से जो अमाउंट बच गया, यानी कि जिसके पैसे कंपनी को कहीं से अरेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस करने के लिए स्टॉक चाहिए, डेटर्स चाहिए, या कैश इन हैंड चाहिए, कैश इन बैंक चाहिए, ये सारे करंट एसेट्स हैं। और करंट लाइबिलिटीज क्या है, पेबल्स है, एक्रूअल्स है, ये सारी चीज़ें। और उसने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसने कुछ कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर आप ग्रो करोगे, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो रिसीवेबल्स में, इन्वेंट्री में, पेबल में ये चेंज आएगा, और फिर एक आपको फाइनेंशियल पोजिशन बना कर देती है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ रीड भी कर लें और क्लियर भी कर लें। कोई मसला है तो मुझे बताएं, किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले आपने यहाँ तक चीज़ें, बैलेंस शीट तक चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तक चीज़ें रीड करी दी हो। आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है 31 दिसंबर 2022 तक की। सर, वर्किंग कैपिटल बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन जो कहता है, बिल्कुल, अगर वर्किंग कैपिटल कंपनी का ज़्यादा होगा तो उसका मतलब यह है कि उसके करंट एसेट ज़्यादा हैं और उसकी करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हैं और उसकी लिक्विडिटी अच्छी है। क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा होने का मतलब यह है कि स्टॉक जो है वो ज़्यादा है, इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा है, डेटर्स जो है वो ज़्यादा है, और बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, ये सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। और लाइबिलिटीज जो हैं उससे हमें फंडिंग मिलती है, ठीक है। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जो होती हैं उससे हमारे करंट एसेट्स की कुछ हद तक ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मुझे 10,000 का स्टॉक चाहिए और मेरे पेबल्स मुझे 2,000 रुपये का उधार दे देते हैं, तो 8,000 रुपये ही मुझे स्टॉक खरीदने के लिए चाहिए होंगे। क्लियर हो गई बात? तो वर्किंग कैपिटल एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट, एक तरह से आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। करंट एसेट्स, मिसाल के तौर पर लेट से मुझे 10,000 रुपये के करंट एसेट्स चाहिए थे, करंट लाइबिलिटीज मेरी 2,000 रुपये हैं, यानी कि 10,000 रुपये की जो चीज़ें चाहिए थी उसमें से 2,000 रुपये की फंडिंग मुझे करंट लाइबिलिटीज के थ्रू मिल गई, तो बाकी 8,000 रुपये की फंडिंग जो है वो मैं वर्किंग कैपिटल से करता हूँ। अच्छा, खैर, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखते हैं इसका किस तरह से यूज़ होगा। आगे कुछ लिखा हुआ है, द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 वॉज 2,200 मिलियन। 2,200 मिलियन की सेल्स थी, 2,200 मिलियन रुपए की सेल्स थी 31 दिसंबर 2022 वाले साल में। एंड द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 15% ऑफ दी सेल्स अमाउंट, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 2,200 का 15% था। ठीक है जी। FL distributes 25% of profit after tax as dividend to its shareholders. जितना भी profit after tax होता है उसमें से 25% dividend के तौर पर shareholders को दे दिया जाता है। यानी कि अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो 25 रुपये मैंने डिविडेंड के तौर पर लोगों में बांट दिए और 75 रुपये मैंने रिटेन कर लिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2023 विल बी इन लाइन विद 2022। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो प्रॉफिट कमाओगे और जो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी 2023 में, वो वैसी ही होगी जैसी 2022 में थी। यानी कि कमाई का सेल्स रेवेन्यू का 15% जो है वो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 25% डिविडेंड होगा, 75% बिजनेस में रहेगा। ऑल रिसीव्स एंड पेमेंट्स एक्सेप्ट डिविडेंड कैन बी एज्यूम टू अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। डिविडेंड इज पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब रिक्वायरमेंट नंबर ए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड टू अचीव अ 25% इंक्रीज इन सेल्स नेक्स्ट ईयर। वो ये कहता है कि अगर आपका सेल्स है वो 25% से सेल्स इंक्रीज हो जाए तो जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसमें आपको इजाफी या एडिशनल कितनी इन्वेस्टमेंट जो है ना उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है जी। अब आपने इस पार्ट को जो है वो सॉल्व करना है और आपने ये बताना है कि भाई एडिशनल फंडिंग कितनी चाहिए होगी मुझे, एडिशनल पैसा कितना चाहिए होगा मुझे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वास्ते से पढ़ते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड टू अचीव अ
25% इंक्रीज इन सेल्स नेक्स्ट ईयर। अगर सेल्स 25% से इंक्रीज हो जाए, अगर सेल्स रेवेन्यू में 25% का इजाफा हो, तो वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से जो अमाउंट आती है, या स्टॉक डेटर्स कैश एट बैंक कैश इन हैंड माइनस ट्रेड पेएबल्स एंड एक्रूअल से जो अमाउंट आती है, उसके लिए मजीद कितना पैसा आपको बिजनेस में इंजेक्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर लाइन पढ़ते हैं तो इसने क्या लिखा हुआ था, द फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट एनी इंक्रीज इन सेल्स वुड इंक्रीज। उसने ये कहा था कि अगर सेल्स इंक्रीज हुई, अगर सेल्स इंक्रीज हुई तो ये चेंजेस आएंगे वर्किंग कैपिटल में, ये मजीद चीजें चाहिए होंगी, रिसीवेबल्स द ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 80% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट, द इन्वेंट्रीज बाई 60% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट एंड द ट्रेड पेएबल्स बाई 35% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट। तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि 2023 की जो एडिशनल सेल्स होगी ना, वो कितनी होगी। अच्छा, फॉर्मेटिंग पर मेरा इतना फोकस नहीं है, मेरा मेन फोकस आप लोगों को चीज़ें समझाने पर है। तो अगर हम एडिशनल सेल्स की बात करें तो देखिए, हमारे पास 2022 की सेल्स जो है वो 2200 है, और उसे ये लिखा था कि 2023 में जो सेल्स होगी, 2023 की जो सेल्स होगी वो 25% ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब 2200 का 25% ले लेते हैं तो हमारे पास एडिशनल सेल्स आ जाएगी 2200। हमारी जो सेल्स थी वो 2022 की थी, और इसने लिखा 2023 में आपकी जो सेल्स होगी वो 25% ज़्यादा होगी। तो अगर 2022 की सेल्स जो है वो 2200 रुपये थी, तो 2023 की जो सेल्स होगी वो ज़्यादा होगी, और कितने अमाउंट से ज़्यादा होगी, अगर ये देखें तो 550 से ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है? एडिशनल सेल्स की अमाउंट निकाली है, टोटल सेल्स की अमाउंट नहीं निकाली है। अगर लेट से मैं टोटल सेल्स की अमाउंट भी निकाल लूँ, टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, टोटल सेल्स की अमाउंट निकालू ना, तो वो 2200 होगी, सॉरी 2023, तो वो 2200 प्लस 550 होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, देखिए, एडिशनल सेल्स यानी कि इजाफी सेल्स यानी कि सेल्स में इजाफा, सेल्स में इंक्रीज, वो तो 2200 का 25% होगा ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सेल्स 25% से इंक्रीज होगी। तो पहले 2200 थी, अब 2200 मल्टीप्लाइड बाई 25%, जो भी आंसर बनता है 550, उतनी हमारी एडिशनल या इजाफी सेल्स होगी। सही है? अच्छा, अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स जो मुझे चाहिए, रिसीवेबल क्या लिखा था उसने भाई, लिखा हुआ था द फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट एनी इंक्रीज इन सेल्स वुड इंक्रीज। अगर सेल्स इंक्रीज हुई यानी कि 550 से जो सेल्स इंक्रीज हुई, तो उसने ये लिखा हुआ था कि एनी इंक्रीज इन सेल्स विल इंक्रीज, इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स बाय 80% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट। यानी कि अब मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल फंड्स या एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। रिसीवेबल्स में फर्दर कितना पैसा चाहिए होगा, 550 मल्टीप्लाइड बाई 80%। ठीक है, इसी तरह से मुझे इन्वेंट्रीज में मजीद कितना पैसा चाहिए होगा, इन्वेंट्रीज परचेज करने के लिए मुझे मजीद पैसा चाहिए होगा 550 मल्टीप्लाइड बाई 60%। ठीक है, अच्छा, पेबल से मुझे क्या मजीद उधार मिलेगा, तो वो कहता है द ट्रेड पेबल्स बाई 35% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट। अब देखिए, पेबल्स का इंक्रीज हो जाना यानी कि आपको उधार मिलना, तो वो मुझे 35% इजाफी उधार दे देंगे। ठीक है, देखिए इस चीज को समझिएगा, रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे तो मुझे 440 पैसा चाहिए, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो जाहिर है इन्वेंट्री खरीदने के लिए मुझे 330 का पैसा चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जरूरत होती है, और इसी तरह से रिसीवेबल्स के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। लेकिन जब हम पेबल्स की बात करते हैं तो वो नेगेटिव में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेबल्स के इंक्रीज हो जाने का मतलब लायबिलिटी का इंक्रीज तो होना है। वो सही है आपकी बात कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑन दी अदर एंड आप इसको यूँ सोचो कि भाई आपको जो है ना वो 440 और 330
इन पैसों की जरूरत ही, इसमें से इतने का यहाँ से उधार मिल गया। तो पहले अगर आपको टोटल 440 और 330 यानी कि 770 रुपयों की जरूरत थी, 770 रुपयों की जरूरत में से 192.5 की जरूरत आपके पेएबल्स ने पूरी कर दी। क्लियर है यहाँ तक? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है जी, जो परसेंटेजेस सवाल में दी हुई थी वो परसेंटेजेस मैंने जो है वो एज इट इज यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ होगा? देखें, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो जो आप कमाते हैं उसमें से कभी कभार आप कुछ चीज़ रिटेन कर लेते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो रिटेन कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो उसने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली थी, उससे बोला हुआ था कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो 15% होता है और उसमें से 25% हम डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तकसीम कर देते हो, बांट देते हो, जो कमाते हो उसमें से 25% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन बाकी 75% जो है वो तुम्हारे बिजनेस में रहता है, बाकी 75% जो है वो तुम्हारे बिजनेस में रहता है, बाकी 75% जो है वो तुम्हारे बिजनेस में रहता है, और उससे तुम्हारा बिजनेस मजीद क्या होता है, मजीद ग्रो करता है। ठीक है, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स की जो अमाउंट आ रही है, यानी कि जो फंड्स आपने रिटेन करे हैं, जो अपने बिजनेस में रखे हैं, जो अपने बिजनेस में मौजूद है, ठीक है, वो किस तरह से आएंगे? आपके पास जब आप फंड्स बिजनेस में रखोगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपको जो जरूरियात थी आपकी वो इधर से भी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो न्यू सेल्स है वो 2750 है, जो आप न्यू सेल्स है 2750, इसका अगर हम 15% लेते हैं, इसका अगर हम 15% लेते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जो आपकी नई वाली सेल्स है 2023 वाले साल की सेल्स हैं वो 2750 है। 2750 की जो सेल्स है, 2750 की जो सेल्स है उसका अगर आप 15% लोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से 25% आप बांट देते हो तो 75% आप अपने बिजनेस में रख भी लेते हो। और 75% अगर आप अपने बिजनेस में रख लेते हो तो इससे आप अपनी फाइनेंसिंग की नीड्स पूरी कर सकते हो। यानी कि मुझे अब ये पता चल गया कि जो मुझे एडिशनल फंड्स की जरूरत होगी ना वो होगी 268.125। क्लियर है ये? कोई मसला? ठीक है, जो पैसा आपने कमाया हो उसमें से 25% तो लोगों को बांट दिया, लेकिन 75% पैसा बिजनेस में आपने रख भी लिया ना। जब आपने 75% पैसा बिजनेस में रख लिया तो वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया, और जब वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया तो उससे आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर सकते हो। सही है? तो आपको जो जरूरियात पूरी करनी थी उसमें से कुछ जरूरत यहाँ से पूरी हो गई। आपको टोटल 770 रुपये चाहिए थे, कुछ लोगों ने आपको उधार दे दिया और कुछ आपके बिजनेस में जो आपने मुनाफा कमाया था उससे बचत हुई, वही आपने वही पैसा जो है वो आपने अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। सही है? अब देखो, हो ये रहा है कि मुझे करंट एसेट्स के लिए 440 प्लस 330 यानी कि 770 की नीड थी, फाइनेंस्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स। इस पैसे में से इतना पैसा पेबल्स ने दे दिया, इंटरनल सोर्स
इतना पैसा जो मैंने कमाई करी उसमें से मिल गया, स्टिल नीडेड, इतना पैसा मुझे अभी भी जरूरत है, चाहिए, क्लियर है? कोई मसला? बेटा 770 जो करंट एसेट्स का अमाउंट है वो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री दोनों का एडिशन होगा ना, ये टोटल पैसा वो है ना जो आपको चाहिए? इतने में से आपको पेबल्स ने फाइनेंसिंग करी, आपने जो कमाया था उसमें से आपने फाइनेंसिंग करी, मजीद इतनों की जरूरत है? देखो कैश से अगर परचेज करेगी बेटा तो एक एसेट कम होगा, दूसरा एसेट बढ़ेगा ना। जब आप कैश पर चीजें खरीदोगे तो डबल एंट्री पास होगी, स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, जब आप कैश पर चीजें खरीदोगे तो एक एसेट कम होगा और दूसरा एसेट इंक्रीज होगा ना। और फिर कैश चाहिए होगा, अगर मुझे कैश पर चीजें खरीदनी है तो कैश की जरूरत होगी। अच्छा, अगले पार्ट में लिखा हुआ है, एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट एफ एल कैन अचीव अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट अजम्पशंस। उसने बोला हुआ है कि एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स, सेल्स में मैक्सिमम क्या ग्रोथ हो दैट एफ एल कैन अचीव, जो एफ एल अचीव कर सकता है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस या अजम्पशंस। नंबर वन, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल। देखो अभी हमारी जो सेल्स की ग्रोथ है, अभी हमारी जो सेल्स की ग्रोथ है वो कितनी है? अभी हमारी जो सेल्स की ग्रोथ है वो 25% है ना। ठीक है, अगर हम अभी सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो 25% है, या अमाउंट में 550। अब जब हमारी सेल 550 से इंक्रीज हुई तो हमें ये चाहिए था, ये चाहिए था, उसके लिए ये पैसे थे, ये पैसे थे, और ये अभी भी पैसे कहीं से चाहिए। अब वो बोलते हैं कि यार अगर सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो, सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो कि हमें कोई एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत ना पड़ने का मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा कहाँ से फाइनेंस हुआ हो, सारा का सारा पैसा कहाँ से फाइनेंस हुआ हो, कौन सी सोर्स से? कौन सी सोर्स से? इंटरनल सोर्स से या रिटेन अर्निंग से, है ना? रिटेन अर्निंग से या इंटरनल सोर्स से फाइनेंस हुआ हुआ। जब पैसा रिटेन अर्निंग से या इंटरनल सोर्स से फाइनेंस हुआ हुआ होगा, जब पैसा इंटरनल सोर्स या रिटेन अर्निंग से फाइनेंस हुआ हुआ होगा तो मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर है? एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट एफएल कैन अचीव अंडर ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज जरा समझना कि आपके पास ये जो पेबल्स है ना, जो पेबल्स है ये एक एक्सटर्नल सोर्स तो है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स तो है, लेकिन पेबल्स क्या होता है कि पेबल्स जो है ना वो आपके खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे होते हैं। पेबल्स आपके सेल्स के साथ लिंक थे, यानी कि अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो पेबल्स भी इंक्रीज होंगे। अभी जो पार्ट नंबर वन था उसमें हमें
इतना फंड जो है ना वो एक एक्सटर्नल सोर्स से फाइनेंस करना पड़ता, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से मतलब ये है कि आपको कोई एडिशनल बैंक लोन लेना पड़ता, मे बी कोई बॉन्ड इशू करना पड़ता, ठीक है, कोई नोट्स इशू करने पड़ते। देखो कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो पेएबल से लिंक्ड है, पेएबल भरेगा तो खुद ही फाइनेंसिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी है जो पेएबल से लिंक्ड नहीं है। यानी कि अभी अगर 770 से मेरी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं तो 192.5 से तो पेएबल्स खुद ही इंक्रीज हो जाएंगे, ऑल्दो वो एक एक्सटर्नल सोर्स है क्योंकि वो मेरा एक पेएबल है। इंटरनल सोर्स यानी कि रिटेन अर्निंग्स जो बच गया उससे फाइनेंसिंग हो गई, और स्टिल नीडेड या एक्सटर्नल फाइनेंस यानी कि मजीद हमें इतना पैसा चाहिए, तो वो कह रहा है कि ये जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए? ये जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा, अब हमें पैसा कहाँ चाहिए होता है? हम यूं कह सकते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फाइनेंस अवेलेबल ना हो तो हमारी सेल्स कितने से इंक्रीज हो, तो हम ये कहते थे कि इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री माइनस इंक्रीज इन पेएबल इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। या चलो एक काम करता हूँ, मैं नीचे जरा बनाता हूँ, यूं कर लेता हूँ मैं। देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट सॉरी इंक्रीज इन पेएबल प्लस इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग प्लस एक्सटर्नल फाइनेंस। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये किस बेसिस पर मैंने बनाई? तुम ऊपर देखो, ऊपर हमने क्या किया, 440 प्लस 330 इज इक्वल्स टू 192.5 प्लस 309.375 प्लस 268.125। ऊपर हमने ये बनाया ना, ऊपर हमने यही इक्वेशन बनाई है ना कि भाई जो पैसा मुझे इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लिए चाहिए था, जो पैसा मुझे इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लिए चाहिए था यानी कि 440 और 330 इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पेएबल्स, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स और एक्सटर्नल फाइनेंस, यही इक्वेशन बनाई है ना ऊपर हमने। क्लियर है ये बात? अब वो क्या चीज जीरो करना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि 268.125 की जगह जीरो, ये जो एक्सटर्नल फाइनेंस है ना, एक्सटर्नल फाइनेंस जो है ना ये जीरो। ऐसा क्या सेल्स का ग्रोथ रेट होगा, ऐसा क्या सेल्स का ग्रोथ रेट होगा कि ये ईएफ वाली वैल्यू या एक्सटर्नल फाइनेंस वाली वैल्यू जो है ना वो जीरो होगी। अब हम इसका इक्वेशन बनाने के लिए एज्यूम करते हैं कि ग्रोथ रेट जो है ना वो है एक्स, एज्यूम करते हैं कि ग्रोथ रेट जो है ना वो एक्स है। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैसे आएगी? द ट्रेड द इन्वेंट्रीज बाय 60% ऑफ एडिशनल सेल्स। देखो हम इस तरह लिख सकते हैं, 2200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स
मल्टीप्लाइड बाई 60% प्लस 2200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 80% इज इक्वल्स टू 2200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 35% प्लस 2200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 75% प्लस 0। अब जरा मैं इस इक्वेशन को समझाता हूँ। देखो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैसे आएगी? जितने एडिशनल सेल्स होगी, जितनी एडिशनल सेल्स होगी, जितनी एडिशनल सेल्स होगी उसका 60%, जितनी एडिशनल सेल्स होगी उसका 60%। और एडिशनल सेल्स कितनी आएगी? एडिशनल सेल्स कितनी आएगी? सेल्स ऑफ 2022 ईयर मल्टीप्लाइड बाई ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाई 60%। ये बात समझे हो? देखो जरा, एडिशनल इन्वेंट्री जो है ना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री उसको समझो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऐसे आया है कि जो सेल्स थी साल 2022 की, जो सेल्स थी साल 2022 की, उसको हमने एक ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया। जो सेल्स थी साल 2022 की उसको एक ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका 60% लिया। जो सेल्स थी साल 2022 की उसको जब ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो पता चल गया कि सेल्स कितने से ग्रो हो रही है। जिस तरह से हमने ऊपर किया था, ऊपर हमने क्या किया था, 2200 को 25% से मल्टीप्लाई किया था तो 550 आया था, और 550 का हमने 60% लिया था तो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री आई थी ना। क्लियर है? देखो, ऊपर भी हमने क्या किया था, 2200 का 25% लिया तो सेल्स जितने से ग्रो करी वो आई, और उसका 60% लिया तो जितने से इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए वो वैल्यू आई। ठीक है, हमने ऊपर क्या किया था, हमने 2200 का, 2200 का हमने लिया था 25% तो हमारे पास सेल्स की ग्रोथ आई थी, और इस सेल्स की ग्रोथ का 60% लिया था तो इन्वेंट्री की मजीद इन्वेस्टमेंट जो चाहिए उसकी वैल्यू आई थी। तो 2200 मल्टीप्लाइड बाई 2200 मल्टीप्लाइड बाई 25% मल्टीप्लाइड बाई 60% ये हमने ऊपर किया था तो 330 आया था। वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 2200 इंटू एक्स, एक्स क्या है, ग्रोथ का रेट है, इंटू 60%। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल किस तरह से आएगा, सेल्स ऑफ 2022 इंटू ग्रोथ रेट इंटू 80%। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स कैसे आया था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स के लिए सेल्स ऑफ 2022 इंटू ग्रोथ रेट इंटू 80%, सेल्स ऑफ 2022 इंटू ग्रोथ रेट इंटू 80%। तो हमने क्या किया था, हमने जो है वो यहाँ पे लिखा 2200 इंटू एक्स इंटू 80%। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, 2200 इंटू 25% इंटू 80%, तो 440 आया था। इसी तरह से इज इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर इंक्रीज इन पेएबल्स के लिए, या एडिशनल एडिशनल फाइनेंसिंग फ्रॉम इन पेएबल्स, या इंक्रीज इन पेएबल्स हमने क्या किया, सेल्स ऑफ 2022 मल्टीप्लाइड बाई ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाई 35%। तो 2022 की हमने सेल्स ली, 2022 की सेल्स को ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया और उसका 35% लिया। ठीक है, और फिर हमने ये आखिर में ये जो इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स कैसे लिया, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स कैसे लिया, रिटेन अर्निंग्स का इंक्रीज हमने ऊपर कैसे कैलकुलेट किया था पहले पार्ट में, पहले ये देखते हैं। 2200 इंटू 1.25% तो नई सेल्स आएगी, सॉरी 1.25 तो न्यू सेल्स आएगी, न्यू सेल्स का 15% जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 75% मैं बचा रहा हूँगा। 2200 को 1.25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.25 से नई सेल्स आएगी, नई सेल्स का हम 15% लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हम 75% लेंगे तो जो डिटेन किया वो आएगा, और इस तरह से 309.375 आ रहा था। यानी कि सेल्स ऑफ 2022 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट
मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 75%, तो वही मैंने यहाँ पर किया, 2200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 75%, और फिर जो है वो एंड में एक्सटर्नल फाइनेंस जो के 0। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बनता है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2200 का 60% कितना बनेगा, 2200 इंटू 60% 1320 बनता, तो ये बन जाएगा 1320 एक्स प्लस 2200 का 80% 1760 एक्स, 1760 एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है, 2200 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 770 एक्स प्लस, इसके बाद क्या है भाई हमारे पास, हमारे पास 0.15 इंटू 0.75 इंटू 2200, तो ये 247.5 ब्रैकेट में या प्लस 247.5 एक्स है ना। फिर एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, 1320 प्लस 1760 माइनस 770 माइनस 247.5, तो ये 2062 समथिंग आता है, 2062.5। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स जो है ना वो 12 आ रहा है या 12% आ रहा है, ठीक है। आप इसको इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 12% आएगी, एक्स की वैल्यू 12% आएगी, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ग्रोथ रेट 12% होगा, अगर ग्रोथ रेट 12% होगा तो एक्सटर्नल फंडिंग की नीड नहीं होगी। कैसे, अगर ग्रोथ रेट 12% होगा तो इन्वेंट्री में मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, 2200 इंटू 12% इंटू 60%। अगर ग्रोथ रेट 12% होगी तो रिसीवेबल्स में पैसा चाहिए होगा, 2200 इंटू 12% इंटू 80%। अगर ग्रोथ रेट 12% होगी तो मेरे जो पेबल्स हैं वो 2200 इंटू 12% इंटू 35% से इंक्रीज होंगे। अगर ग्रोथ रेट 12% होगी तो 2200 इंटू 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 75%, यानी कि आप ये देखो कि आपको जो पैसा चाहिए वो कितना है, 158.4 और 211.2, और यही पैसा आपको यहाँ से हासिल भी हो रहा होगा, मैच कर रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स और पेबल्स प्लस रिटेन अर्निंग्स का टोटल, ये आपके सिर्फ प्रूफ करने के लिए है कि 12% के हिसाब से चीज़ें मैच कर रही हैं और हमें एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे आपको प्रूफ करने की कोई खास खास ज़रूरत नहीं है, बहरहाल अगर मैं प्रूफ करूं तो ये हो रहा, ठीक है। अब बताओ भाई कोई मसला है, सही है ना। आप एक बार इसको रिवाइज करोगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो आप फिक्र भी नहीं करो। अच्छा, बी का एक और पार्ट था, ओनली डेट फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट दैट एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशियो इज मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ 2023। वो बोलता है दूसरे केस में कि अब आप एज्यूम करो कि डेट फाइनेंस यानी कि उधार अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ उतना उधार अवेलेबल है या उतने रुपए का उधार आपको मिल सकता है जो आपके एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशियो को जो है ना वो मेंटेन कर सके, आपका एग्जिस्टिंग जो डेट टू इक्विटी रेशियो हो वो उस ही लेवल पे रहे जो करंट लेवल है। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है इससे हम डेट टू इक्विटी रेशियो पहले तो कैलकुलेट करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे आता है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे आता है,
कोई बताएगा डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे आ सकता है? डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है? ये आप लोगों ने पिछले जो अकाउंटिंग के पेपर है उस पर पढ़ा होगा। और डेट में हम लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो डेट है, यहाँ पर हमारे जो डेट है वो अगर बैलेंस शीट से देखो तो 465 के हैं। और जो इक्विटी है, इक्विटी में दो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, एक तो शेयर कैपिटल 350 और दूसरा आपके पास रिटेन अर्निंग 450, ठीक है? तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनेगा वो 465 डिवाइडेड बाई 800 यानी कि 58.13% बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए कंपनी का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या डेफिनेशन है? डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड की जो डेफिनेशन है वो है डेट प्लस इक्विटी, है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड की जो डेफिनेशन है वो है डेट प्लस इक्विटी। क्लियर है? मुझे बताओ आगे बढ़ने से पहले कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। हाँ, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो होगा 465 प्लस 800 यानी कि 1265। अच्छा, एक और चीज़, टोटल डेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल डेट अगर किसी कंपनी का हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो अच्छा नहीं, सही है सही है, एक मिनट। डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे पास, हम इसको यूं लिख लेते हैं, D/E, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू DE रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी? क्या मैं यूं लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल्स टू डी ई रेशियो इंटू इक्विटी? हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बात सुनना। लेट से करंट एक कंपनी है, उसका आज जो है ना वो डेट है 20 और है इक्विटी जो है ना वो है 80। एक कंपनी है, उसका आज जो डेट है ना वो 20 है और इक्विटी जो है वो 80 है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आएगा? अगर एक कंपनी का आज जो डेट हो वो 20 हो और इक्विटी जो है ना वो 80 हो, अगर आज एक कंपनी का डेट जो है वो 20 हो और इक्विटी जो है ना वो 80 हो, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आएगा? सर, डेट टू इक्विटी रेशियो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 80, 0.25। अच्छा, न्यू देखो, रिटेन अर्निंग्स जो है ना, रिटेन अर्निंग्स की वजह से क्या इंक्रीज होता है, इक्विटी या डेट? रिटेन अर्निंग्स की वजह से इक्विटी इंक्रीज होती है या डेट इंक्रीज होता है? इक्विटी इंक्रीज होती है। लेट से मैं ये बोलता हूँ कि ये 2022 का साल था, 2023 के साल में कंपनी का रिटेन अर्निंग्स 80 था, यानी कि कंपनी के रिटेन अर्निंग्स में जो इंक्रीज था ना वो 80 का था। तो मुझे बताओ कि 2023 की कंपनी की न्यू इक्विटी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ये कह दूं कि 2023 में कंपनी का रिटेन अर्निंग्स 80 था, तो 2023 की कंपनी की इक्विटी वैल्यू क्या होगी?
अगर मैं बोलूं 2023 की कंपनी की रिटेन अर्निंग्स 80 थी, तो कंपनी की 2023 की इक्विटी की वैल्यू क्या होगी? पिछली इक्विटी प्लस अगर रिटेन अर्निंग्स में 80 का इजाफा है, अगर रिटेन अर्निंग्स में 80 का इजाफा है, अगर रिटेन अर्निंग्स में 80 का इजाफा है, तो हमारी इक्विटी भी 80 से इंक्रीज होगी। अगर रिटेन अर्निंग्स में 80 का इंक्रीज है, अगर रिटेन अर्निंग्स में 80 का इजाफा है, तो हमारी टोटल इक्विटी 160 पर चली जाएगी, क्योंकि अगर सर रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज होगा तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी, अगर रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज होगा तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी, अगर रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज होगा तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी, है ना? हाँ या नहीं बताओ। अगर कंपनी का साल 2023 का रिटेन अर्निंग्स 80 हो, तो कंपनी की टोटल इक्विटी जो है वो 160 पर चली जाएगी। एग्रीड? अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि कंपनी ये चाहती है कि कंपनी जो है ना उसका नया वाला डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.25 ही हो, अगर कंपनी ये चाहती है कि उसका नया वाला डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी 0.25 ही हो, अगर कंपनी का नया डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 ही हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी नया कोई भी उधार ना ले और उसका रेशियो मेंटेन रहे? सर इस केस में तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 20/160 यानी कि 0.125 पर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बात समझ रहे हो? अगर कंपनी की इक्विटी 80 से 160 पर चली जाती है, अगर कंपनी की इक्विटी 80 से 160 पर चली जाती है और कंपनी अपना उधार नहीं इंक्रीज करती है, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो तो 0.125 पर चला जाएगा। तो अगर कंपनी चाहती है, मैं अगर यूं बोलूं कि कंपनी चाहती है कि कंपनी का नया वाला जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.25 ही रहे, अगर कंपनी ये चाहती है कि उसका न्यू वाला जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.25 ही रहे, अगर कंपनी ये चाहती है कि उसका नया वाला डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 ही रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मजीद उधार लेना पड़ेगा। कितना? 160 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 40 पर आना पड़ेगा, यानी कि 20 का मजीद उधार लेना पड़ेगा। अगर इक्विटी 80 गई, 80 से 80 160 पर गई, तो उधार भी 20 से 40 पर लेकर जाना पड़ेगा। एग्री? अब जरा आते हैं हम अपने सवाल पर। हमें 58.13% का डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, हमें 58.13% का डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है। सेकेंड पार्ट में वो बोलता था एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट एफएल कैन अचीव अंडर ईच ऑफ दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट अजम्पशंस, और टू में लिखा हुआ है ओनली डेट फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट दैट एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशियो इज मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा जी, अगेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री के लिए हम लिख देते हैं 2200 इंटू एक्स इंटू 60%। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स के लिए 2200 इंटू एक्स इंटू 80%। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री के लिए 2200 इंटू एक्स इंटू 60%, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स के लिए 2200 इंटू एक्स इंटू 80%, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2200 इंटू एक्स इंटू 35% प्लस 2200 इंटू 1+x इंटू 15% इंटू 75%। देखिए ये चीज़ें तो मैंने वही लिखी हैं ना, ये चीज़ें तो यहाँ तक मैंने वही चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें तो वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ तक जो मैंने ऊपर लिखी थी, तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब हमें एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए, और एक्सटर्नल फाइनेंस हमें कितनी चाहिए? एक्सटर्नल फाइनेंस हमें इतनी चाहिए कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो 58.13% ही हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 58.13% इंटू 2200 इंटू एक्स सॉरी इंटू 1+x इंटू 15%
इंटू 75%। अब इसकी क्या लॉजिक है? देखो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई जितने से मेरी इक्विटी इंक्रीज होगी, जितने से मेरी इक्विटी इंक्रीज होगी, मेरी इक्विटी कितने से इंक्रीज होगी, मेरी जो इक्विटी है जितने से मेरा रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज होगा उतने से ही मेरी इक्विटी इंक्रीज होगी ना, मेरी इक्विटी इस वैल्यू से इंक्रीज होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेट जो है ना वो इसी रेशियो में इंक्रीज हो, और क्योंकि मुझे पता है डेट इज इक्वल टू डेट टू इक्विटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई इक्विटी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने से मेरी इक्विटी इंक्रीज हो, जितने से मेरी इक्विटी इंक्रीज हो, जितने से मेरी इक्विटी इंक्रीज हो, उसके 58.13% से मेरा डेट भी इंक्रीज हो। या ये एक्सटर्नल फाइनेंस के नीचे मैंने इक्विटी के इंक्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया है डेट टू इक्विटी रेशियो से, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने से मेरी इक्विटी इंक्रीज हो, मेरी जितने से इक्विटी इंक्रीज हो, मेरा डेट भी जो है उसके 58.13% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो डेट टू इक्विटी रेशियो 58.13 का मेंटेन रहेगा, अगर ऐसा होगा तो 58.13% का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो मेंटेन होता हुआ चलता चला जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई मसला? जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास लेफ्ट साइड पर क्या आएगा? लेफ्ट साइड पर आपके पास जो है वो वही चीजें आ रही होंगी शुरू की, तो 1320x बेटा 58.13% कॉमन हमने कैलकुलेट किया ना, 465 और 800 के हिसाब से ये डेट टू इक्विटी रेशियो 58.13% हमने कैलकुलेट किया। अच्छा अब ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1320x प्लस 1760x इज इक्वल्स टू 770x प्लस 247.5 प्लस 247.5x। यहाँ तक तो पूरी चीजें सेम थी। आगे प्लस, अच्छा अब मैं ले लेता हूँ 247.5 का 58.13%, 143.87175 प्लस 143.87175x। और इसको हम सॉल्व करते हैं, 1320 प्लस 1760 माइनस 770 माइनस 247.5 माइनस 143.87175, ये कितना आ रहा होगा? 2047.62825x इज इक्वल्स टू, अच्छा वापस से भी चेक कर लूँ मैं, 1320 प्लस 1760 प्लस सॉरी माइनस 770 माइनस 247.5 माइनस 143.87175। ओहो क्या हो रहा है, हे 1918 कितना आ रहा है? 1918.62825 आ रहा होगा आई गेस, 628 1918.62825 एक्स। चेक कर लूँ एक बार फिर से, 1320 प्लस 1760 फिर माइनस का 770 फिर माइनस का 247.5 फिर माइनस का 143.87175, 1918.65, ठीक है। और राइट साइड पर क्या आता है? राइट साइड पर है 247.5 और 143.87175, यह है 391.37175। एक्स की क्या वैल्यू आती है? 397, 391.37175।
371 75 डिवाइडेड बाई 1918.6288 25, तो तकरीबन 20.4% आ रहा है क्या? 20.40%, सही है, 20.0.40% आ रहा होगा। ठीक है, 20.40% आ रहा होगा। अब ये सवाल जब आप दोबारा से एक बार देखोगे और करोगे तो काफ़ी आप बेहतर फील करोगे, और इस सवाल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है।